हे दोस्तों, प्लांट्स लगाना तो सबको पसंद है, लेकिन कई बार हमारे पास जगह नहीं होती है और ऐसे में हम सहारा लेते हैं हैंगिंग प्लांटर्स का। दोस्तों, ये मेरे गर्मी में ख़राब हुए हैंगिंग प्लांटर्स हैं जिनको मुझे ठीक करना है। तो साथ में मुझे याद आया कि मुझे शेयर करना है हैंगिंग प्लांटर के बारे में वीडियो। किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि हम जब भी हैंगिंग प्लांटर में प्लांट लगाते हैं, कुछ दिन अच्छा चलता है, फिर वो बास्केट खाली खाली हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है जब हम सही प्लांट नहीं सेलेक्ट करते। दरअसल हैंगिंग प्लांटर्स काफ़ी ऊंचाई पे हमने हैंग किए होते हैं, उनको डेली केयर नहीं हम दे पाते। तो प्लांट भी हमें ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जिनको डेली केयर नहीं चाहिए। जैसे कि अभी समर ख़त्म हुआ तो इन प्लांटर्स को मैंने नीचे निकाला, इनको मैं सूखी पत्तियाँ हटा के थोड़ा मिट्टी की गुड़ाई उड़ाई करके रेडी कर दूँगी, तो ये हमारे फिर से रेडी हो जाएंगे 2-3 महीने तक। फिर दोबारा मुझे इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो इतना हम कर सकते हैं। लेकिन डेली केयर वाले प्लांट अगर हम हैंगिंग प्लांटर्स में लगा देंगे तो वो नहीं चल पाएंगे। यानी कि ज़्यादा केयर वाले प्लांट अगर हम हैंगिंग प्लांटर में लगा देंगे तो वो नहीं चल पाएंगे। लेकिन आप फिक्र बिल्कुल मत करिए, आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप एक बार लगाओगे और वो सालों साल उन्हीं हैंगिंग प्लांटर्स में चलते रहेंगे, बहुत ही आराम से चलेंगे। परमानेंट प्लांट है, शो प्लांट है। तो जल्दी से नाम नोट कर लीजिए ऐसे कुछ प्लांट्स के जिनको आप एक बार लगाओ और सालों साल उन्हीं बास्केट में चलते रहें। नंबर 1 पे है टेंगल हार्ट वाइन। बहुत ही खूबसूरत सेमी सकुलेंट प्लांट है, मोटी मोटी सी फ्लैशी सी पत्तियाँ होती हैं। पत्तियों में इसके नमी होती है जिस वजह से इस प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, बहुत कम पानी देना पड़ता है। हैंगिंग प्लांटर के लिए तो बेस्ट है। बरसात में ये खुद से ग्रो होता रहता है, बहुत ज़्यादा इसकी जो ये वाइन्स है वो नीचे तक लटकने लगती हैं और एकदम से पॉट भर जाता है। विंटर में थोड़े टाइम के लिए इसकी कुछ पत्तियाँ गिरती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये प्लांट पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, दोबारा से ग्रो हो जाता है। नंबर 2 पे है टर्टल वाइन। ये वाइन अगर एक बार आपके गार्डन में आ गई तो आपको दोबारा कभी नहीं लानी पड़ेगी, बल्कि आप इसे निकाल निकाल के सबको बांटोगे, इतनी ग्रो हो जाती है। इसके जगह जगह पे नोड होते हैं और उन नोड से बरसात के समय पे जड़ें निकल आती हैं और बहुत ही आसानी से इसका प्रोपगेशन होता है। यानी 1 इंच भी कहीं पर गिरा तो ये ग्रो हो जाता है, बल्कि इस तरह से ग्रास पे रखने पे ये ग्रास में ही अपनी जड़ें बनाने लग जाती हैं, आर्टिफिशियल ग्रास के ऊपर ही ये चिपक जाती है। इतनी अच्छी ये ग्रो होने वाली हैंगिंग वाइन है, ज़रूर इसे अपने गार्डन में ऐड करें। नंबर 3 पे है मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट, पेडिलेंथस कर्ली पिंक। ये पेडिलेंथस यानी कि डेविल्स बैकबोन की एक वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी, जिसको हैंगिंग प्लांटर में लगाया जाता है। यानी कि आप वैसे भी पॉट में लगा सकते हो, लेकिन हैंगिंग प्लांटर में बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत प्यारी सी इसकी कर्ली कर्ली सी इस तरह से पत्तियां लगती हैं और ये जो है विंटर में पिंक हो जाती हैं, इसलिए इसे कर्ली पिंक कहते हैं। ये देखिए पेडिलेंथस यानी कि डेविल्स बैकबोन जो नॉर्मल वाला होता है, और ये जो है हैंगिंग प्लांटर में नहीं लगा सकते, ये गमलों में लगता है, और ये जो है उसकी का ड्वार्फ वैरायटी है। बहुत आसानी से चलता है, बहुत प्यारा है। नंबर 4 पे है पर्पल हार्ट वाइन। ये प्लांट भी मुझे हैंगिंग प्लांटर के लिए बिल्कुल सही लगता है, बिकॉज़ ये मैंने हैंगिंग प्लांटर में ग्रो करके देखा है और बहुत खूबसूरत ग्रो होता है। हैव अ लुक, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ डल डल सी हो जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप सनलाइट में रखोगे ना तो इसकी पत्तियाँ डार्क पर्पल कलर की बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। पानी कम चाहिए होता है, इजी प्रोपगेशन है, बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो पसंद है। नंबर 5 पे है बोलीवियन जो प्लांट। ये प्लांट भी एक बार गार्डन में आ जाता है तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत भर जाता है। विंटर में थोड़ा सूखता है, लेकिन दोबारा से प्रोपगेट खुद से हो जाता है। कई लोग इसे फेस प्लांटर में लगाते हैं, ये बालों के जैसा लुक देते हैं। नंबर 6 पे स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की कुछ वैरायटीज़ आती हैं, एक ये प्लेन वाला आता है, मतलब इसमें रनर नहीं निकलते, और एक ये आता है रनर वाला। दोनों ही हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत आसानी से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। 7 नंबर पे है ये बहुत ही कलरफुल ब्राइट पत्तियों वाला वंडरिंग जू प्लांट, ये भी अच्छा लगता है हैंगिंग प्लांटर में। 8 नंबर पे है मनी प्लांट। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी लो, हैंगिंग्स में अच्छी लगती है और ये हमेशा चलने वाला प्लांट है।
9 नंबर पे है दोस्तों एस्पैरेगस फर्न की, ये ड्वार्फ वाली हैंगिंग वैरायटी, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, सालों साल चलती रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 नंबर पे है सिंगोनियम का पिंक वाला हैंगिंग प्लांट। ये प्लांट हैंगिंग प्लांटर में बहुत अच्छे से चलता है, बाकी सिंगोनियम के प्लांट के कंपैरिजन में पिंक वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे हैंगिंग प्लांट्स जिनको आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, बार बार प्रोपगेट नहीं करना पड़ेगा, एक बार लगाओगे और काफ़ी आसानी से ये प्लांट आपके गार्डन में चलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।